होने वाला कि ऐसा प्लान कर रहे हैं कि महीना में दो बार होने का। बहुत बढ़िया यार। और सर आप ही तो किया ना सर? सर आप किया ना सर? तो ये बताइए कि मतलब आपको कैसा आइडिया यहाँ में आया कि यहाँ में भी करना है करके? एक्चुअल बारटांग एक अच्छा जगह है। हाँ, डेली 500 to 600 टूरिस्ट लोग आ रहे हैं। जी हाँ सर। यहाँ का महिला लोग थोड़ा मोटिवेट होके कुछ अपना टैलेंट बाहर लेके आके जिस तरह कुछ करेगा तो उन लोग के इनकम सोर्स बढ़ेगा। उसके लिए हम मौका ढूंढता था, नाबार्ड बैंक का तरफ से एक चांस मिला ये प्रोग्राम करने के लिए। नाबार्ड बैंक ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और सर और सर सुना है कि यहाँ जो है सब्जी जो लेके आके बिक्री करते हैं ना सर, वो भी मतलब ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। हाँ, उनसे इन लोग अपना खेती में उगाते हैं सर। अपना वो इंटीरियर पारस में उन लोग का घर हो रहा है, उसी में वो लोग बनाते हैं। इसी में ज़्यादा खाद कुछ नहीं है, अपना गाय का गोबर ओबर डाल के ये लोग बनाते हैं। ऑर्गेनिक है, अच्छा है। और ये स्टॉल में देखने टाइम ये लोग वर्जिन कोकोनट ऑयल रखा। हाँ, वो भी ट्रेडिशनली बनाया वाला, वो भी बहुत अच्छा है। वो भी हम लोग के एनजीओ की तरफ से उन लोग को ट्रेनिंग दिया और ये लोग अच्छा भी रखा। एक एक जन आज इन लोग का पार्टिसिपेंट उन लोग का खुशी से वो लोग किया वाला सब बहुत बहुत अच्छा था। हमारे भी मोटिवेट हुआ करके हम लोग वही देख रहा है सर, पहला बार भी मतलब यहाँ में हो रहे हैं और बहुत अच्छे किए सर आप भी। चलिए सर, चलिए सर, नमस्कार सर। थैंक यू। अच्छा, ये तो आप वहाँ से लेके आए थे? हाँ, उसी हम लोग का वो ट्रेनिंग देता है, उसी में ये सब हम लोग का कैंडिडेट्स बनाया वाला। अच्छा, यहाँ के बनाए वाले? चल हाँ, ट्रेनिंग वो क्या है ये? अच्छा, हम लोग फुटपैट सर, फुटपैट सर। बहुत बड़ी ये भी बोलने से हम लोग का कैंडिडेट्स ही बनाया वाला ट्रेडिशनल। ये भी बोलने से यहाँ बिलीग्राउंड में एक एसएचजी बना के बिक्री करता। ये लोकल बेड है सर? लोकल। आप एक बार इसको यूज करेगा बोलने से इसको ही यूज करेगा उतना अच्छा रहेगा। बढ़िया है सर, हमारा यहाँ का है वो लोकल है सर। लोकल लोकल में बिलीग्राउंड में ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाता वाला, ये भी लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप रंगत में कंपनी रखा है। अभी लोग का एनजीओ उनको ये कंपनी रखने के लिए सपोर्ट दिया। ये लोग रंगत में ग्राउंड जाने रास्ता में इन लोग का कंपनी रखा। बहुत अच्छा एडवांस मशीनरी से थाईलैंड से लेके आके वो लोग बनाता है, बढ़िया से चलता है। बहुत सारा ट्रेनिंग, ये भी लोकल प्रोडक्ट यहाँ एक उजाला सेल्फ हेल्प ग्रुप करके वो लोग बनाता वाला। इस तरह और लिक्विड डिटर्जेंट, हैंड वॉश और बहुत कुछ करते हैं। अच्छा, मतलब सर ये बताइए जो भी सब बनाते सब ये लोकल कंप्लीट जो है लोकल के है सर? सर कौन सा? ये जो कंप्लीट जो बना के सब लोकल है ये सर? यहाँ सब लोकल चीज है। मेनलैंड से मटेरियल लेके आता है। हाँ, मतलब बनाते हैं उसको बनाने का सिखा। अच्छा, दूसरा दूसरा केमिकल्स लेके आके उसको बनाने का सिखा के वो लोग बेचते हैं। बट इसी में बोलने से आपको स्टोन पाउडर बहुत कमती लगता है। स्टोन पाउडर और आपका सफ़ेद होने के लिए उसमें फिनोफॉल करके एक को देता है केमिकल। वो केमिकल क्या है, दुकान में मिलने वाला में ज़्यादा रहेगा, जल्दी शर्ट सब पैड हो जाएगा। इसी में बहुत कमती है इसलिए पैड नहीं। और सर ये क्या चीज़ है सर? ये वाला? हाँ, ये वाला एक एसएचजी वाला लोग इस तरह स्वीट सब बिक्री करता। ये ड्रैगन फ्रूट का पौधा है, इसको लगाएगा बोलने से विद इन वन एंड हाफ ईयर में उन लोग का फल देगा। कॉस्टली भी है ये, अच्छा भी है। ये धूप वाला लुक है, जस्ट वो लोग खाना खाने दिया हम लोग। नहीं नहीं, चलिए ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये अच्छा, मैं आप खुद बनाई थी ना? और गुलाब जामुन कैसे बताए, एक पैकेट कैसे कर देते मैडम? इसमें दो पीस है जी, इसमें दो पीस है, थोड़ा बड़ा साइज है इसमें 20 रुपए और ये 4 पीस है छोटा साइज है ये भी 20 रुपए। अच्छा, उस तरह करके करें मैडम। और ये वाला मैडम? ये है नमकीन। अच्छा, ये आपने आपने खुद बनाई ना जी, ग्रुप में मिलकर? अच्छा, हम ग्रुप मिलकर बनाए थे। हाँ मैडम, अदरसम और ये है प्योर वर्जिन कोकोनट ऑयल। हाँ, ये कैसे बनाए उसका पूछना था मैडम, तेल कैसा बनाए करके पूछना था। लिंक दे दूंगी। नहीं, लिख के नहीं, मतलब हाँ हाँ वो ही करिए, पूछ के मतलब ऐसे बता दीजिए और लिंक भी दे दीजिए। हाँ मैडम, मतलब पहले तेल को मतलब नारियल को सुखा लेते हैं? हाँ,
अच्छा, उसको हम लोग चूल्हा में जला के वो करते हैं। हाँ, अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया मैडम। हाँ। मेरे लिए भी एक पैक कर दीजिए, एक केजी, मैं आता हूँ अभी लेने के लिए। ठीक है, और ये क्या था मैडम? और ये सूजी और मैदा का केक। बढ़िया, ये आपके यहाँ देख रहा था, ये अचार रखा हुआ था, एक लोकल मेड है, एक छोटा डब्बा, एक बड़ा डब्बा। तो मैडम इसमें अचार मतलब कौन सा ये है? आम का अचार है। दोनों आम का अचार है मैडम? तो आप लोग जो मतलब एक छोटा और एक बड़ा डब्बा में क्यों रखे हुए हैं? अच्छा, जो छोटे डब्बा में छोटा कटिंग है और जो बड़ा कटिंग में है, बड़े डब्बा में बड़ा कटिंग है। ये जो है बड़ा डब्बा में बड़ा कटिंग है, मतलब इसमें आप लोग रेट भी लिखे हुए हैं, एक का 30 रुपये, एक का 60 रुपया। इसमें कुछ फ़र्क है मैडम कि सेम है?